चलिए आज हम लोग जानेंगे फ्रिज के बारे में। देखिए फ्रिज हमारी मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम दो सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है। उसको हम समझेंगे कि जो भी हमारे कूलिंग सिस्टम है, जो भी मशीन, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वाटर कूलर, डीप फ्रीजर या कोई भी एसी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो ठंडा करने वाली मशीन है तो वो क्यों ठंडा करती है, आखिर उसमें क्या लगा होता है कि वो ठंडा करने लगती है, हवा को ठंडा कर देती है, पानी को ठंडा कर देती है, वातावरण को पूरा ठंडा कर देती है, आखिर क्यों ठंडा करती है, उसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। देखिए यहां पे जो हम सिस्टम को पढ़ेंगे ना आज, ये सब में काम आएगा, आपको एसी में भी आएगा, फ्रिज में भी आएगा, वाटर कूलर में भी आएगा, डीप फ्रीजर में आएगा, मतलब हर वो मशीन जो ठंडा करती है सब में ये भाग आएंगे। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो जो हमारी फ्रिज होती है वो दो सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है, दो सिस्टम, जैसे दो हम अलग अलग सिस्टम में बांट के पहले पढ़ते हैं और बाद में जब हम दोनों को मैच करवाते हैं तो हमारी तैयार हो जाती है फ्रिज। तो इसमें पहला सिस्टम हमारा होता है मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है, फ्रिज के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है उसे फ्रिज का मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं, यानी कि फ्रिज के वो भाग जिसमें गैस घूमती है, उसको पावर से मतलब नहीं है, उसमें लाइट है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो एक पाइप है, सिर्फ पाइप है जो हवा इधर से जाएगी और इधर निकल जाएगी, तो ये जो पार्ट हो गया इसको हम बोलेंगे मैकेनिकल पार्ट है, मैकेनिकल सिस्टम है। मतलब समझ रहे हैं, फ्रिज के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं, और फ्रिज के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, जिसमें वायरिंग किया जाता है, जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल और फेज की आवश्यकता पड़ती है, उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। दोनों बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है ना, मैकेनिकल मतलब गैस घूमती है, इलेक्ट्रिकल मतलब जिसमें पावर दिया जाता है, हो गया काम। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन मतलब मिस्त्री, इलेक्ट्रिकल पार्ट का मतलब क्या हो गया, जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है। तो अभी आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल सिस्टम को फाइनली कंप्लीट समझेंगे कि जो हमारी फ्रिज होती है उसमें कौन-कौन से मैकेनिकल पार्ट लगे होते हैं और उनका कार्य क्या होता है, और जानते हैं सिर्फ मैकेनिकल पार्ट को समझ लेने से समझे पूरी फ्रिज समझ में आ जाएगी, वो ठंडा कैसे करती है। बस इलेक्ट्रिकल पार्ट में डाउट क्या-क्या रह जाएगा, अभी आगे डोर स्विच बल्ब कैसे जलता है और ये कूलिंग को हम कंट्रोल कैसे करते हैं, वो सारे पार्ट इलेक्ट्रिकल में आएंगे, लेकिन मैकेनिकल में क्या, वो ठंडा कैसे करता है, कम ठंडा क्यों करता है, ज्यादा ठंडा क्यों करता है, मीडियम ठंडा क्यों करता है, ठंडा करता कैसे, कुल मिला के कूलिंग सिस्टम को हम समझने वाले हैं। तो देखिए एसी में और फ्रिज में, फ्रिज में हमारी जो मुख्य रूप से कार्य करती है, हमने आपको बताया दो सिस्टमों से, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल मतलब जिसमें गैस का संचार होता है, इलेक्ट्रिकल मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक की सप्लाई दिया जाता है। तो मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत टोटल पांच भाग आते हैं, पांच भाग, और यही पांचों हम समझेंगे और पूरा डिटेल हो जाएगा। देखिए सबसे पहला भाग इसमें हमारा होता है कंप्रेसर, क्या होता है कंप्रेसर। दूसरा भाग इसमें हमारा होता है कंडेंसर, चलिए यहां पे हम थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो जगह की। कंप्रेसर पहला भाग हो गया हमारा, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा हमारा होता है कंडेंसर, ये दूसरा भाग क्या है कंडेंसर। तीसरा भाग इसमें हमारा होता है कंप्रेसर कंडेंसर के बाद होता है हमारा फिल्टर, तीसरा होता है फिल्टर। चौथा भाग हमारा होता है कैपिलरी ट्यूब, क्या होता है कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। और पांचवा भाग होता है हमारा एवापोरेटर, क्या होता है एवापोरेटर, एवापोरेटर। ये पांच भाग है, यानी कि जो हमारी रेफ्रिजरेटर या जो भी कूलिंग सिस्टम है वो पांच सिस्टमों से मिलकर, पांच भागों से मिलकर के कार्य करती है, यानी मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत उसमें पांच भाग आते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा है कंप्रेसर। कंप्रेसर को अभी आपने डिटेल में समझा पिछली वीडियो में, कंप्रेसर सबसे महत्वपूर्ण भाग है। मनुष्य के मस्तिष्क जैसे काम करता है ना, उसी तरह से एसी फ्रिज के सिस्टम में यह कंप्रेसर काम करता है। कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर होता है और इसका कार्य गैस को एक स्थान से खींचना और दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है। कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर है और इसका कार्य गैस को एक स्थान से खींचकर दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है। देखिए ये हो गया एक कंप्रेसर हमने बनाया, ये पूरी बॉडी में पैक है, यह एक मोटर है, इसमें तीन पाइपें निकली होती हैं, क्या होती हैं तीन पाइपें निकली होती हैं, इसमें इस प्रकार से तीन पाइपें निकली होती हैं ऐसे। तो इस मोटर को, और इसमें तीन पिने भी होती हैं, जैसे कोई भी मोटर हो, फराटा, पंखा, सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन, कोई भी अगर मोटर है उसमें तीन तार निकलते हैं ना जब हम बाइंडिंग करते हैं, तो उसी तरह से इसमें भी तीन तार निकलते हैं, तीन पिने होती हैं जिसमें सप्लाई देते हैं, जिसमें एक का नाम होता है कॉमन, दूसरी का नाम होता है रनिंग और तीसरी का नाम होता है स्टार्टिंग। देखिए कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग, ये किधर ये कोई कंफर्म नहीं होता, इसको चेक करना पड़ता है। बस हाँ तीन पिने होती हैं, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। और ये जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर एक मोटर है और जब हम इसको ऑन करेंगे, जब हम इसमें पावर देंगे तो ये क्या करेगा, सक्शन लाइन है, देख रहे हैं तीन टे जोन पाइप निकली है ना, एक थे पाइप का नाम इसमें होता है सक्शन लाइन, क्या नाम होता है देखिए ऐसे सक्शन लाइन, सक्शन लाइन। और एक पाइप का नाम इसमें होता है डिस्चार्ज लाइन, क्या होता है डिस्चार्ज लाइन, एक पाइप का नाम इसमें क्या होता है डिस्चार्ज लाइन, और तीसरी पाइप का नाम इसमें क्या होता है चार्जिंग लाइन, क्या होता है चार्जिंग लाइन। इस प्रकार से इसमें तीन लाइनें होती, सक्शन लाइन,
डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन, और ये सक्शन लाइन से हवा को क्या करता है, खींचता है, और डिस्चार्ज लाइन से क्या करता है, बाहर फेंकता है, खींचता है, नाम से पता चलता है सक्शन करता है, सक्शन करता है, सक्शन मतलब खींचता है, और डिस्चार्ज करता है मतलब बाहर फेंकता है, डिस्चार्ज हो गई, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना, मतलब बाहर निकल जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, तो ये डिस्चार्ज लाइन मतलब जहां से गैस को बाहर फेंकता है वो डिस्चार्ज लाइन, और जहां से गैस को खींचता है वो सक्शन लाइन, ये दोनों में डिफरेंट होता है, मतलब सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन तो जब इसमें हम गैस या ऑयल चार्ज करेंगे तब यूज करेंगे, बाकी टाइम में ये क्या रहेगा, बंद रहेगा। अब देखिए एक तो बात आपको समझ में आई कंप्रेसर को, अच्छा ये बताइए कि ये मैकेनिकल सिस्टम है कि इलेक्ट्रिकल, कंप्रेसर मैकेनिकल सिस्टम है कि इलेक्ट्रिकल, क्यों कैसे पता चला, मतलब ये देखिए कंप्रेसर में गैस का संचार होता है ना, होता है, अच्छा इसमें पावर भी दिया जाता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई भी दिया जाता है ना, तो कंप्रेसर ही एक ऐसा भाग है जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ये दोनों सिस्टम के अंतर्गत आता है, क्यों, क्योंकि इसमें गैस का संचार होता है इसलिए मैकेनिकल सिस्टम है, और इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है इसलिए ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, सॉरी गैस का संचार होता है इसलिए मैकेनिकल सिस्टम है, और इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है इसलिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, मतलब समझे इसमें गैस भी घूमती है और पावर भी दिया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ये दोनों के अंतर्गत आ जाता है, सिर्फ कंप्रेसर ही ऐसा भाग, ऐसा नहीं कि नहीं सब होंगे, ना ना खाली कंप्रेसर, केवल कंप्रेसर एक ऐसा भाग है जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के अंतर्गत आ जाता है। कंफर्म हुआ, कंप्रेसर में तीन लाइनें होती हैं, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन, कंप्रेसर में तीन पिने होती हैं, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग, कंप्रेसर के नीचे एक रबड़ लगा होता है, उस रबड़ का क्या नाम होता है, ग्रोमेट, क्या नाम होता है, ग्रोमेट रबड़, उस रबड़ का कार्य क्या होता है कि कंप्रेसर को वाइब्रेट करने से, हिलने से, आवाज करने से बचाता है, ताकि अगर वाइब्रेट करे तो रबड़ पे रहेगा तो उसको वो क्या करेगा, थोड़ा बहुत दब करके उस पे एडजस्ट कर लेगा, तो ये होता है हमारा इसके नीचे ग्रोमेट रबड़। अब देखिए कंप्रेसर ये पांच भाग है ना, कंप्रेसर से जब गैस निकलती है, जब इस मोटर को चालू कर देते हैं और जब ये गैस को सक्शन लाइन से खींच के डिस्चार्ज से फेंक देता है तो गैस जाती कहां है, ये दूसरे वाले पार्ट में, और दूसरे पार्ट का क्या नाम है, कंडेंसर, क्या नाम है, कंडेंसर, क्या नाम है, कंडेंसर, समझ में आया, ये कंडेंसर क्या होता है ये समझिए, कंडेंसर अभी तक क्या लोग जानते हैं, है जो पंखा में लगता है उसको कंडेंसर समझते हैं, जो कूलर में लगता है उसको, नहीं नहीं, कंडेंसर क्या होता है, फ्रिज जो होती है ना हमारी, फ्रिज के पिछले सिरे में, आप पिछले सिरे में देखेंगे तो लोहे की एक जाली बनी होती है, ऐसे ऐसे जाली बनी होती है ना, ऐसे 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 करके, तो वो जो जाली होती है उसी को कंडेंसर बोलते हैं, वो कोई इलेक्ट्रिक पार्ट नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल पार्ट होता है, मतलब जो कंडेंसर है वो सिर्फ मैकेनिकल पार्ट है, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिकल पार्ट नहीं है। ये देखिए यहां पे हम दूसरा पार्ट को बना रहे हैं कंडेंसर, कंडेंसर देखिए कुछ इसी प्रकार से होता है, वो पाइपें ऐसे ऐसे करके घूमती हैं, ये कितनी राउंड घूमती हैं अगर बात करें तो, जैसे देखिए अगर देखिए ये जो राउंड घूमती है, अभी हम इसको बता रहे हैं कि इसका फार्मूला जो कि हमने खुद निकाला है, ये कहीं और पे आपको किताब वगैरह में नहीं मिलेगा, अभी आपको बताते हैं ये कितनी बार घूम रही है, अगर आप एक दो तीन चार पांच करके अगर ऐसे गिनेंगे ना, हमने ऐसा केयर किया है कि फ्रिज का जो मात्रक है वो लीटर में आता है, जानते हैं 180 लीटर की फ्रिज, 200 लीटर की फ्रिज, 220 लीटर की फ्रिज, तो इसके कंडेंसर में हमने एक बात केयर किया, अपने 10, 12, 15 फ्रिजों में हमने देखा तो ऐसा था कि ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अगर आप करके गिन रहे हैं तो अगर 180 लीटर की फ्रिज होती तो उसमें 18 निकल रहा है, और अगर मान लीजिए 190 लीटर की फ्रिज है 19 निकल रहा है, 220 लीटर की फ्रिज है तो 22 निकल रहा है, मतलब समझ रहे हैं, जीरो हटा दीजिए जितना बचा उतना निकल रहा है, तो ऐसे करके ये एक ट्रिक की बात है। अगर इसके अलावा देखिए थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा हमने देखा है प्रैक्टिकली करके देखा है कि इसी तरह से अधिकतम निकलते हैं। अब देखिए ये कंडेंसर हो गया हमारा, यहां पे देखिए कंडेंसर हो गया, ये कंडेंसर फ्रिज के पीछे ऐसे ही बना होता है ना, लोहे का होता है, ऐसे देखिए इसमें ऐसे ऐसे तिल्लियां लगी होती हैं, ये तिल्लियां सपोर्ट के लिए भी होती हैं और कूलिंग में सहायता भी करती हैं, तिल्लियां सपोर्ट के लिए होती हैं और सहायता भी करती हैं। अब देखिए पहला भाग हमारा कंप्रेसर, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलेगी और निकल के जाएगी कहां, कंडेंसर में, निकल के कहां जाएगी, कंडेंसर में, और देखिए ये वाली जो पाइप होती है ना यहीं पे जोड़ दिया जाता है, क्या किया जाता है, यहीं पे जोड़ दिया जाता है। देखिए ये कंप्रेसर कैसे काम करता है, जैसे हमने बताया था आपको कि दमकल वाला जो ट्यूबवेल होता है ना, दमकल बोलते हैं हम गांव में, पता नहीं क्या उसको बोलते होंगे, तो वो जो ट्यूबवेल होता है उसको हम क्या करते हैं, कहीं भी नदी पोखरा कहीं भी ले जा करके उसको एक पाइप को वहां गिराते हैं, दूसरी पाइप आगे लगाते हैं, तो जब हम उस मोटर को स्टार्ट कर देते हैं इंजन को तो क्या करता है, वहां से पानी को खींचता और आगे फेंकता है, वहां से पानी को खींचता और आगे फेंकता है, और जहां से फेंकता है हम क्या करते हैं उसके मुंह पे पाइप लगा के बांध देते हैं, पाइप लगा के बांध देते हैं ना, 4 इंची 6 इंची पाइप आती है, पाइप लगा के बांध देते हैं और फिर जहां लेके जाना अपने खेत में लेके चले जाते हैं। उसी तरह से ये कंप्रेसर मोटर है, ये मोटर है, जब ये चालू करेंगे तो ये इधर से सक्शन लाइन से खींचेगा, डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा, जहां से फेंक रहा है वहीं पे इसके हम दूसरी पाइप लगा दिए, अभी पाइप क्या करेगी, गैस को लेके चली जाएगी और कहां जाएगी, कंडेंसर में, और कंडेंसर क्या करेगा, गैस को घुमा घुमा के ठंडा कर देगा, और आप जानते हैं कि किसी भी गैस को अगर ठंडा किया जाए तो वो क्या बनेगा,
पानी, और पानी को अगर गर्म किया जाए तो क्या बनेगा, फिर से गैस मतलब भाप। भाप को गर्म करेंगे, देखिए भाप को ठंडा करेंगे तो पानी बनेगा, पानी को गर्म करेंगे भाप बनेगा। तो इस प्रकार से ये देखिए हमारा कंडेंसर है, कंडेंसर का कार्य क्या होता है, गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना, मतलब भाप को पानी बनाना। एक बात और देखिए, ये जो कंप्रेसर मोटर है ना, फ्रिज में लगने वाला कंप्रेसर कौन सा होता है, रेसिप्रोकेटिंग। अभी हम उसको समझेंगे कि कौन सा है ये कंडेंसर कौन सा है, वो हम अभी समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझिए कंप्रेसर है। कंप्रेसर का कार्य गैस को सक्शन लाइन से खींचना, डिस्चार्ज लाइन से बाहर करना, यहां से गैस निकल के गई कंडेंसर में, कंडेंसर गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलता है। उसके बाद देखिए क्या होगा, अच्छा ये वेपर से द्रव में कैसे बदलता है, कोई क्रिया नहीं है इसके साथ, मतलब कोई पावर ओवर देने की बात नहीं, कोई मोटर वोटर नहीं लगा कि नहीं भाप को पानी बना देगा। देखिए इसमें वेपर को द्रव में बदलता है, हाँ भाप को पानी बनाता है, ये कंडेंसर का कार्य आपको यही समझ में ना, भाप को पानी बनाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये जितना लगा अगर इतना पार्ट लगा दे, आई कंप्रेसर ऑन कर दे, इधर से हवा खींचेगा, यहां से पानी फेंकेगा, ऐसा संभव नहीं है। ये हवा खींचता है, हाँ कंप्रेसर का कार्य गैस को सक्शन लाइन से हवा को खींचना, डिस्चार्ज लाइन से हवा को फेंकना, और वही हवा जब कंडेंसर में जाती है, कंडेंसर हवा को घुमा घुमा के वेपर से द्रव में बदल देता है, भाप को पानी बना देता है, तो क्या यहां से पानी निकलेगा, नहीं। ये जो वेपर से द्रव में बदलने की क्रिया है ना, ये सिर्फ फ्रियान गैस के साथ होती है, जो एसी और फ्रिज में ठंडा करने के लिए जो गैस भरते हैं सिर्फ उस गैस के साथ ये क्रिया होती है। क्योंकि हम पिछली वीडियो में रेफ्रिजरेंट के बारे में समझे थे, उसमें हमने आपको बताया था कि जो गैस हम प्रयोग करते हैं एसी फ्रिज में, उस गैस का जो है मतलब कूलिंग, उबलने का तापक्रम बहुत कम होता है, मतलब जल थोड़ी सी गर्मी पाके जल्दी से गर्म हो जाएगी, और थोड़ी सी ठंडी पाके जल्दी से ठंडी भी हो जाएगी, मतलब वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है, ये मेन मतलब है। तो समझे, तो ये जो क्रियाएं होती है वेपर से द्रव में बदलने की, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रियान गैस के साथ हो सकती है, किसी और गैस के साथ नहीं। अब देखिए ये जो कंडेंसर फ्रिज के पीछे लोहे की जाली है, ये जो लोहे की जाली कंडेंसर वेपर को द्रव में बदलता है, ये पतली पतली तिल्लियां हैं, ये तिल्लियां क्यों है, सपोर्ट करने के लिए। अगर ये सपोर्ट नहीं करती तो ये लोहा इधर उधर हो जाता, सारे पाइपें इधर उधर हो जाती, पहली बात तो ये सबको सपोर्ट कर रहा है, दूसरी बात कूलिंग में भी सहायता करता है। अब सोचिए ये तिल्लियां कैसे कूलिंग में सहायता करती है, सहायता ऐसे करती है, जैसे मान लीजिए जब पाइप जब कंडेंसर कार्य करता है ना, तो कंडेंसर गर्म होता है, जब हमारी फ्रिज चलती है आप इस लोहे की पाइप को टच करेंगे तो गर्म रहता है, और जितना ऊपर टच करेंगे अधिक गर्म रहेगा, जितना नीचे आएंगे कम गर्म होगा, जितना सबसे नीचे आइए बिल्कुल गर्म नहीं रहेगा, जितना ऊपर टच करेंगे अधिक गर्म रहेगा, जितना नीचे आएंगे उतना कम गर्म रहेगा, मतलब ऊपर से ठंडाते हुए लेकर के आता है, तो कुछ नहीं है, बस गैस को घुमा घुमा के ठंडा करता है। और तिल्लियां कैसे सपोर्ट करती है, जैसे कोई लोहा है, ये लोहा है, अब ये लोहा गर्म है, इसके ऊपर ये तिल्लियां सटा देंगे, अरे तिल्लियां गर्म नहीं होगी, होगी ना, तो इसी तरह जब ये पाइप गर्म होती है तो ये तिल्लियां भी गर्म होती हैं, और जब तिल्लियां गर्म होंगी तो जो वातावरण की हवा अगर तिल्लियों पे लगेगी तो तिल्लियां भी सहायता करेंगे, मतलब ये जितना पाइप गर्म हो सकती थी होगी, तो ये भी उसकी गर्मी को खींचेगा, ये भी उसके दुख सुख में समझिए साथ देगा, इस प्रकार से इसका मतलब समझ गए। तो ये तिल्लियां भी ठंडा करने में सहायता करती हैं। तो हो गया हमारा कंप्रेसर, और उसके बाद हमारा कहां गैस निकल के जाएगी, देखिए कंप्रेसर के बाद कंडेंसर में, कंडेंसर के बाद कहां जाएगी, फिल्टर में, ये तीसरा पार्ट हमारा होता है फिल्टर। फिल्टर नाम से समझ में आ गया होगा ना कि फिल्टर क्या होता है यार, फिल्टर करना मतलब छानना, मतलब फिल्टर करना मतलब शुद्ध करना। तो देखिए होता क्या है, कंप्रेसर गैस को सक्शन लाइन से खींचा, डिस्चार्ज लाइन से बाहर किया, कंडेंसर गैस को घुमा घुमा के वेपर से द्रव में बदला, यानी कि पानी बना दिया। अब वो पानी जाएगा, अगला जो हमारा पार्ट होगा यहीं पे लगा देते हैं इसमें, क्या फिल्टर, कहाँ क्या लगाते हैं, फिल्टर, यहां से जाएगा वो फिल्टर में, देखिए यहां से वो जाएगा फिल्टर में, ये हो गया फिल्टर। फिल्टर के अंदर जानते हैं कि इस प्रकार से जाली लगी होती है, और जाली के अलावा इसमें क्या होता है, ऐसे दोनों तरफ से ऐसे जाली लगी होती है, और जाली के अलावा इसमें क्या होता है, सिलिकॉन की गोलियां भरी होती है, ये होता है हमारा फिल्टर, मतलब रेफ्रिजरेंट को छानकर शुद्ध करता है। अब देखिए यहां से जब सक्शन लाइन से हवा खींची, डिस्चार्ज लाइन से गई कंडेंसर में घूमने के बाद, यहां से पानी अगर कोई कचड़ा वगैरह तो ये उसको छानकर शुद्ध करेगी, ताकि जो अगला उपकरण है उसमें कोई कचड़ा वगैरह ना जा सके। अब एक बात और आपके मन में आएगी, आखिर इसमें कचड़ा कहां से आ जाता है यार, तो जानते हैं जो फ्रिज होती है ना उसमें फिल्टर लगाना ज्यादा जरूरी होता है। वो क्या होता है, फ्रिज के जो पीछे ये जो कंडेंसर होता है ये लोहे का बना होता है, और जानते हैं कि इसमें वेपर से द्रव यानी भाप को पानी बनाता है, तो अगर लोहे में पानी घूमेगा, अगर लोहे में पानी घूमेगा तो जाहिर सी बात है कि जंग लगेगा। किसी भी लोहे को अगर पानी में डाल देंगे तो कुछ दिन बाद देखेंगे जंग लग जाएगा ना, तो लोहे में अगर पानी घूमेगा तो इसमें जंग लगेगा, और अगर वो जंग झड़ करके कहीं पे आगे जा करके जाके अगले पाइप में जाके फंसा दे, जाम कर दे, और फिर गैस को ही आगे ना बढ़ने दे, तो क्या होगा, कूलिंग सिस्टम बंद हो जाएगा, कूलिंग हमारी नहीं करेगी, इसीलिए पहले फिल्टर लगाया जाता है, ताकि अगर कोई कचड़ा वगैरह इधर से आ रहा है तो फिल्टर उसको छानकर शुद्ध कर देगा, और फिल्टर की जो यहां की मोटाई है थोड़ी सी ज्यादा होती है, थोड़ी बहुत
कचरा आकर के अगर यहां एक कोने में बैठ भी जाए तो फ्रिज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब फिल्टर हमारा साइड से गैस को निकालता रहेगा, आगे भेजता रहेगा, समझ गए। तो फिल्टर क्यों लगता है? छानने के लिए, शुद्ध करने के लिए। कचरा कहां से आता है? अधिकतम कंडेंसर से आता है। कंडेंसर से कैसे आता है? कंडेंसर लोहे का बना होता है, गैस वेपर से द्रव में बदलता है। अगर लोहे में पानी रहेगा तो जंग लगेगी, और जंग लगेगी तो झड़के आगे जाएगी, आगे जाएगी तो फिल्टर छान के शुद्ध करेगा। ये हो गया हमारा फिल्टर। फिल्टर के बाद देखिए अगला पार्ट इसमें हमारा कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के बाद एवापोरेटर। कैपिलरी ट्यूब और एवापोरेटर दोनों को हम एक साथ समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पे हम बना देते हैं एवापोरेटर। ये एवापोरेटर क्या होता है? देखिए एवापोरेटर हमारा मेन पार्ट है जो कूलिंग करता है, जो ठंडा करता है। सीधे सीधे बात, जो ठंडा करता है उसी को हम बोलते हैं एवापोरेटर। कूलिंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसको फ्रीजर के नाम से भी जानते हैं। देखिए ऐसे इसमें पाइपें होती है, ये जो बना रहे ना ये पाइप है, मतलब इसमें गैस का संचार होता है। देखिए एक पाइप यहां इनपुट है और ये दूसरी पाइप आउटपुट है, मतलब एक साइड से गैस जाएगी और पूरा गैस घूमने के बाद दूसरी साइड से निकल जाएगी। एक साइड से गैस इन करेगी और पूरा घूमने के बाद दूसरी साइड से बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार से ये होता है हमारा एवापोरेटर। अब देखिए एवापोरेटर से पहले इसमें क्या है? कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब को देखिए हम यहां पे कुछ बना रहे हैं इस प्रकार से, मोड़ मोड़ करके, देख रहे हैं ना, मोड़ मोड़ करके। अब देखिए कैपिलरी ट्यूब हो गए। अब देखिए कंप्रेसर क्या है? कंप्रेसर का कार्य गैस को सक्शन लाइन से खींचना, डिस्चार्ज लाइन से बाहर करना है। गैस निकल के गई कंडेंसर में, कंडेंसर गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलता है, यानी भाप को पानी बनाता है। उसके बाद जाता है फिल्टर में, फिल्टर उसको छान कर शुद्ध कर देता है। उसके बाद जाता है कैपिलरी ट्यूब में, कैपिलरी ट्यूब का कार्य होता है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना। मतलब यहां से जब गैस जा रही होती है ना तो पूरा पाइप तो मोटी मोटी है, मोटी मोटी है, लेकिन हाई जाके हाई जानते हैं ये बहुत पतली पाइप है। ऐसे से हमने मोड़ बनाया ना, ये इतनी पतली पाइप होती है कि इसका जो व्यास होता है 0.22 mm, यानी 0.22 mm इसका व्यास होता है, और इसकी लंबाई अधिक होती है 8 से 12 फीट की, तो कैपिलरी ट्यूब लगती है। अब जाकर के क्या होता है, ये प्रेशर को कंट्रोल कर लेता है, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदल देता है। यानी कि कैपिलरी ट्यूब का कार्य क्या होता है? प्रेशर को कंट्रोल करना। और उसके बाद गैस कहां जाती है? एवापोरेटर में। कहां जाती है? एवापोरेटर में। एवापोरेटर क्या है? ये कूलिंग करता है, मतलब ठंडा करता है। क्या करता है? कूलिंग करता है, मतलब ठंडा करता है। ये एवापोरेटर ठंडा करता है। अब देखिए एवापोरेटर का कार्य अगर परिभाषा के रूप में हम बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि एवापोरेटर का कार्य किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर, मतलब कोई वस्तु हो या कोई स्थान हो, वहां की गर्मी को खींचकर वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देता है, मतलब वहां पे अपना ठंडक का प्रभाव छोड़ देता है। तो एवापोरेटर का कार्य किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना होता है। यह हमारे एवापोरेटर का कार्य। और उसके बाद यह जो एवापोरेटर वाली पाइप आती है वो आकर के इसी सक्शन लाइन की पाइप में जुड़ जाती है, और फिर वही गैस सक्शन लाइन से खींचता है और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर करता है। ये तो हो गए हमारे मैकेनिकल सिस्टम। अभी हम इसको समझते हैं कि ये कौन-कौन से हैं। देखिए जो फ्रिज में लगने वाला कंप्रेसर है उस कंप्रेसर का नाम होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। कौन सा होता है? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ये फ्रिज में लगने वाले कंप्रेसर का नाम है। अब देखिए ये नंबर के हिसाब से आता है। साइज की बात करें तो पहले तो हम बोलते थे इसको 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, इतने एचपी का यूज किया जाता है। 1/6 HP, 1/8 HP, 1/10 HP का तो ये कंप्रेसर यूज किया जाता है। अब ये नंबर से आता है 42 नंबर, 45 नंबर, 38 नंबर। ये लीटर के हिसाब से, जैसे फ्रिज कितनी बड़ी है उसके हिसाब से नंबर होता है, नंबर उस पर लिखा होता है, ठीक है। तो ये कौन सा कंप्रेसर है? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इसका कार्य क्या है? गैस को सक्शन लाइन से खींचना, डिस्चार्ज लाइन से बाहर करना। अब इसके बाद गैस निकल के जाती है कहां? कंडेंसर में। कहां जाती है? कंडेंसर में। कहां जाती है? कंडेंसर में। कंडेंसर का कार्य क्या होता है? अच्छा ये कंडेंसर कौन सा है? ये कंडेंसर है वायर मेस कंडेंसर। वायर मेस कंडेंसर इसका नाम है। अच्छा इसका नाम वायर मेस कंडेंसर क्यों जानते हैं? ये पतली पतली तिल्लियां लगी है ना, यानी वायर, और वायरों से मिलकर बना हुआ कंडेंसर वायर मेस कंडेंसर कहलाता है। यार नाम से समझ सकते हैं कि वायरों से मिलकर बना हुआ कंडेंसर है। जो तिल्लियां लगी है इसको हम तार बोलते हैं ना, तार मतलब वायर, तो वायरों से मिलकर बना हुआ कंडेंसर वायर मेस कंडेंसर कहलाता है। और इसका कार्य गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना, यानी भाप को पानी बनाना होता है। हो गया। इसके बाद ये जो तीसरा पार्ट हमारा है, ये है फिल्टर। जो हम फ्रिज में फिल्टर प्रयोग करते हैं इसका नाम होता है ड्रायर फिल्टर। क्या होता है? ड्रायर फिल्टर, यानी कि फ्रिज में प्रयोग होने वाला फिल्टर ड्रायर फिल्टर होता है, जिसका कार्य रेफ्रिजरेंट को छानना यानी शुद्ध करना होता है। इसके अंदर सिलिकॉन की गोलियां लगी होती हैं जो नमी को अवशोषित करती हैं। अब बात यहां पे एक और है, ये नमी कहां से आ जाती है? यार अगर जानते हैं ना, जो थोड़ी बहुत नमी, अगर जो रेफ्रिजरेंट हम गैस भर रहे हैं फ्रिज में ठंडा करने के लिए, उस गैस के अलावा अगर बाहरी गैस,
बाहर की गैस अगर उस पाइप में थोड़ी बहुत चली गई तो बाहर वाली हवा को ना ये जो फ्रियान गैस भरेंगे वो गैस इतना ठंडा कर देगी कि बाहर वाली हवा पानी बन के बर्फ बन जाती है और कहीं जाके जाम कर देगी। अगर वो बाहरी नमी इसमें थोड़ी बहुत पहुंच गई तो इसके अंदर जो सिलिकॉन की गोलियां ना उसको क्या करेगी, सोख लेगी, अवशोषित कर लेगी, तो सोख लेगी तो आगे जाकर के वो कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। तो ये फिल्टर का कार्य क्या है, रेफ्रिजरेंट को छानना, इसमें सिलिकॉन की गोलियां लगी होती है जिसका कार्य नमी को अवशोषित करना होता है। इसके बाद जाता है कैपिलरी ट्यूब में, ये क्या है कैपिलरी ट्यूब, क्या है कैपिलरी, क्या है बोल के देखिए एक दो बार, कैपिलरी ट्यूब बोलने में थोड़ी सी अगर एक दो बार बोलेंगे तो पहले दिक्कत होगी, लेकिन वर्डों का उच्चारण आपको बार बार करना चाहिए। उच्चारण करने से क्या होता है, वर्ड क्लियर होते जाते हैं, क्लियर होते जाते हैं। जब कभी आप इंटरव्यू देने बैठेंगे पहली बार कोई बोलेगा अरे हाँ यार याद तो आ रहा था भाई ने भूल गया, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हाँ क्या है कैपिलरी ट्यूब, मतलब एग्जैक्ट अभी शुरू में बोलेंगे आप तो एक बार दिक्कत होगी एक दो बार, लेकिन अगर बार बार इस वर्ड का आप यूज करते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या है कैपिलरी ट्यूब, इसका कार्य क्या होता है, रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना, मतलब गैस के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना। अब देखिए कैपिलरी ट्यूब अगर हम इसकी लंबाई की बात करें कि ये कितनी बड़ी होती है, तो ये होती है 8 से 12 फीट, 8 से 12 फीट। अब आपको ये भी समझ में आएगा आज जब 5 फीट की फ्रिज होती है 4 फीट की, अब 12 फीट की कैपिलरी उसमें कैसे लगा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे आई जो मोड़ मोड़ के बनाया गया ना, इसीलिए आप क्या एक छोटा सा रूम हो 10x10 का तो उसमें आप 500 मीटर का वायर नहीं रख सकते, रख सकते ना लेकिन फैला के नहीं रखेंगे, उसको गोल बना के रखना पड़ेगा ना, रख सकते हैं लेकिन पूरा लंबा फैला करके नहीं उसको गोल बना के रखना होगा ना। तो उसी तरह से हमारा ये 8 से 12 फीट लंबी कैपिलरी ट्यूब फ्रिज में प्रयोग होती है। और इसका अगर व्यास की बात करें मतलब इसकी मोटाई की बात करें तो होता है 0.22 या 0.23 mm में होता है, 0.22 या 0.23 mm में इस कैपिलरी ट्यूब का व्यास होता है। जितना हमारे पेन मतलब कलम के अंदर जो सिक्का होता है जितना मोटा होता है उतने पतली है, लगभग उतना ही मोटा समझिए कैपिलरी ट्यूब इसमें होती है। उसके बाद कैपिलरी ट्यूब से गैस जाती है एवापोरेटर में। अब देखिए एवापोरेटर क्या करता है, किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचता है और वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव यानी ठंडक का प्रभाव छोड़ देता है जिससे वो ठंडा होता है। फ्रिज में एवापोरेटर कहां लगा होता है जानते हैं, फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं तो जो सबसे ऊपर लगा होता है ना जिसमें लोग बर्फ बनाने के लिए कुछ रखते हैं, जो सबसे ज्यादा ठंडा करता है उसी को हम एवापोरेटर बोलते हैं, कूलिंग कॉइल बोलते हैं, फ्रीजर बोलते हैं, व्हीलर के नाम से भी बोलते हैं, मतलब 4-5 उसी का नाम लेते हैं। तो वो क्या है एवापोरेटर, एवापोरेटर क्या करता है ठंडा करता है। उसके बाद फिर से गैस आती है सक्शन लाइन में और फिर से डिस्चार्ज लाइन से निकल के जाती है और यही क्रिया बार बार होती रहती है। अब एक चीज और, ये देखिए ये जो कंडेंसर है गैस को वेपर से द्रव में बदलता है, आपको लगता है कि भाप को पानी बना देता है, ठीक है वो पानी निकल के गया फिल्टर में यहां तक ठीक है, वही पानी निकल के गया कैपिलरी ट्यूब में ये भी ठीक है, वही पानी एवापोरेटर में अगर गया तो पानी आया यहां नहीं, नहीं नहीं एवापोरेटर में जब गया ना तो एवापोरेटर क्या किया, किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचा, और जब गर्मी को खींचा तो जो पानी गया वो गर्म हो गया। अब पानी अगर गर्म होगा तो क्या बनेगा भाप, कंफर्म है ना कि पानी को अगर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा भाप। तो एवापोरेटर किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचता है तो अपनी वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देता है और जब गर्मी को खींचता है तो ये पानी गर्म होता है और पानी गर्म होता है तो वो भाप बनकर के सक्शन लाइन में आता है और उसी भाप को फिर से ये कंडेंसर भाप को पानी बनाता है और उसी पानी को फिर से एवापोरेटर भाप को फिर से पानी को फिर से भाप बनाता है और यही क्रियाएं बार बार होती रहती हैं। और ये जो है ना ये सिर्फ फ्रिज में नहीं सब में होता है, एसी फ्रिज वाटर कूलर डीप फ्रीजर हर वो मशीन जो ठंडा करती है उसमें सब में होता है। ये बात समझ में आई, कंप्रेसर है, एक बार फिर से रिवीजन समझिए शॉर्ट में, कंप्रेसर है कौन सा कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हमारे फ्रिज में यूज किया जाता है। कंप्रेसर में कितने लाइनें होती हैं, 3 लाइनें हैं, सक्शन लाइन डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन। कंप्रेसर में कितने पिने होती हैं, 3 पिने होती हैं, कामर रनिंग और स्टार्टिंग। कंप्रेसर के नीचे कौन सा रबड़ लगता है, ग्रोमेट रबड़ लगता है। कंप्रेसर में क्या लगा होता है जो प्रेशर बनाता है, पिस्टन और सिलेंडर। कंप्रेसर कितने एचपी का यूज किया जाता है, 1/6 HP, 1/8 HP या 1/10 HP। कंप्रेसर डिस्चार्ज लाइन से गैस जब फेंकता है तो गैस निकल के कहां जाती है, कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर क्या करता है, गैस को घुमा-घुमा के वेपर से द्रव में बदल देता है, यानी गैस को घुमा-घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलता है। और फ्रिज में कौन सा कंडेंसर प्रयोग किया जाता है, वायर मेश कंडेंसर प्रयोग किया जाता है। किस धातु का बना होता है, तो ये लोहे का बना होता है। और इसके बाद जाती कहां गैस है, कंडेंसर के बाद फिल्टर में। फ्रिज में कौन सा फिल्टर लगता है, ड्रायर फिल्टर लगता है। इसका कार्य क्या है, ये रेफ्रिजरेंट को छानकर शुद्ध करता है। ये किस धातु का बना होता है, ये कॉपर का बना होता है। उसके बाद अगली गैस निकल के जाती कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब का कार्य क्या होता है, रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में परिवर्तित करना। और जो फ्रिज में कैपिलरी ट्यूब लगती है उसकी लंबाई क्या होती है, 8 से 12 फीट होती है। उसका व्यास क्या होता है, 0.22 या 0.23 mm होता है। और कैपिलरी ट्यूब के बाद गैस कहां जाती है, एवापोरेटर में जाती है। एवापोरेटर का कार्य क्या होता है, किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींच के वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना जिससे वहां की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है और फिर से गैस आती है सक्शन लाइन में। और यही क्रियाएं बार बार होती रहती है और इस प्रकार से हमारा कोई भी कूलिंग सिस्टम हो जो कार्य करता रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे पार्टों का प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे।
करेंगे कि कौन सा पार्ट कहां पे लगा होता है, कैसा होता है, कैसे वो कार्य करता है, उसकी पाइप सक्शन डिस्चार्ज चार्जिंग की टोटली आपको दिखाएंगे। तो किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 95 111 41 990 पे संपर्क करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।